रतलाम नगर निगम के बहुचर्चित पीएम आवास घोटाले में पुलिस ने नगर निगम के दो इंजीनियर्स को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि नगर निगम के निलंबित इंजीनियर्स एमके जैन और सुहास पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इससे पहले भी इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। दरअसल ये 13 लाख रुपए का घोटाला है जो साल 2018 में सामने आया। निगम के जिम्मेदारों और सेड मैप कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत से 13 फर्जी हितग्राहियों के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। कलेक्टर ने जिन 320 हितग्राहियों के नाम को अनुमोदित किया था उसी लिस्ट में 13 पात्र हितग्राहियों की जगह फर्जी नामों को जोड़ा गया और उनके अकाउंट में नटवर लालों ने 13 लाख रुपए की राशि डाल दी थी। जब एक महिला हितग्राही ने अपने अकाउंट में पैसा आने की शिकायत की तो इस पूरे घोटाले का खुलासा हुआ था, जिसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ स्टेशन रोड थाना पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। आज क्या हुआ है कि दिनांक 4-4 को नगर निगम के सब इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन और सुहास पंडित को 173(3) के अंतर्गत गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है। इनके खिलाफ भी आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित पात्र हितग्राहियों की सूची में नाम बदल कर उनकी जगह दूसरी सूची लगाकर हस्ताक्षर करके इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि शासन को धोखा दिया गया है और 13 लाख रुपए गबन का इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। इनके खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत चार्ज लगाकर मतलब इनको अभियोग पत्र मतलब गिरफ्तार करके पेश किया गया है और जीआर हेतु इनको 11-4 तक के लिए श्रीमान सीजम महोदय कुंभे साहब द्वारा इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। बहरहाल जनकल्याण योजनाओं में धांधली का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी शासन प्रशासन के अधिकारी जनता के नाम पर सरकार को चूना लगाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, रतलाम।